एक नगर में एक राजा और रानी रहते थी। उनको संतान नहीं थी, इसलिए राजा बहुत दुखी थे। रानी बहुत धार्मिक और श्रद्धालु थी। एक दिन राजा उदास थे। रानी ने राजा को पूछा कि आप उदास क्यों हो। राजा ने जवाब दिया कि हमें संतान नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। रानी ने राजा को जिनेश्वर भगवान पर श्रद्धा रखने कहा, जिससे हमारी सभी इच्छा पूर्ण होंगी। रानी मानती थी कि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वह ज्यादा से ज्यादा धर्म करने लगी, जिससे अशुभ कर्म का नाश हुआ। और अचानक एक घटना बनी। अचानक रानी बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि रानी की मृत्यु हुई है। राजा और पूरा गांव दुखी हो गया। राजा रानी के शव को जलाने के लिए नदी के पास गया। वहां उन्होंने लकड़े की पेटी को नदी में तिरते हुए देखा। उन्होंने वह पेटी खोली तो उन्हें आश्चर्य हुआ, अंदर रानी थी। राजा ने सोचा कि दोनों रानियों में से सच्ची रानी कौन सी है। अचानक लकड़े के ऊपर से रानी का शव आकाश में अदृश्य हो गया। राजा और सभी को आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने रानी को पूछा, ये सब क्या हो रहा है, आप अचानक मर गए फिर पेटी में से मिले। रानी ने कहा कि मेरा राक्षस द्वारा अपहरण हुआ था और मुझे एक गुफा में रखा गया था। मेरे पुण्य से ही गुफा में मुझे जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा मिली। भगवान को देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं मेरे सब दुख भूल गई। मैं गुफा में जिनेश्वर प्रभु की मूर्ति के पास प्रार्थना करती थी। मेरी अत्यंत भावपूर्वक की हुए भक्ति से एक चमत्कार हुआ। रानी की भक्ति देखकर शासन देवी प्रकट हुई और रानी ने अपनी सब मुसीबतें बता दी। शासन देवी ने रानी को आश्वासन और हिम्मत दी और कहा कि आपकी श्रद्धा और प्रभु भक्ति की परीक्षा करने मैंने ही ये सब किया। शासन देवी ने एक दिव्य माला दी और मुझे लकड़े की पेटी में फिर से भेज दिया। इस तरह मैं वापस आई। अब रानी रोज दिव्यमाला पहनने लगी। कुछ समय बाद रानी ने एक बालक को जन्म दिया। अब राजा को समझ में आया कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वे हमारी सब इच्छा पूर्ण करते हैं। बोध, हमारे भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना। चाहिए सुख या दुख, दोनों स्थिति में प्रभु की बहुत भक्ति करनी चाहिए। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।